पश्चिमी दिल्ली से भाजपा की नवनियुक्त सांसद कमलजीत सहरावत जी हमारे साथ जुड़ रही है और देख रहे हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा मैडम का स्वागत किया जा रहा है। इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया, देश को आगे बढ़ते हुए दिल्ली की जनता ने देखा, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेट पे रहा हो, चाहे वो सेफ्टी सिक्योरिटी के उस पर रहा हो, देश को पांचवी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखा है। और दिल्ली में बहुत काम हुए हैं, चाहे वो अर्बन एक्सटेंशन रोड है, भाट मंडपम है, यशोभूमि है, तो G20 का सम्मेलन हुआ, तो इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। केजरीवाल जी आपके यहाँ भी प्रचार को आए थे और उन्होंने दिल्ली की जनता से, खासकर पूरे दिल्ली में घूमे, ये कहा कि अगर आप मेरे प्रत्याशी को जिताएंगे तो मुझे जेल जाने से बचाएंगे। अब सातों की सात सीट दिल्ली की आपके पास है, तो ऐसे में केजरीवाल जी की मुसीबतें तो बड़ी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सबसे करारी हार किसी की हुई तो अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की जनता ने तो बहुत बड़ा मौका उनको दिया था, लेकिन उस मौके का नाजायज फायदा उठाया। मकान नहीं लूंगा 42 करोड़ का शीश महल बनाया, सेफ्टी नहीं लूंगा पंजाब पुलिस तक की 3 लेयर सिक्योरिटी ले ली, मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा घर के अंदर खुद की सांसद को पिटवाया, एक्साइज पॉलिसी में खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, दिल्ली में पानी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, बुजुर्गों की पेंशन नहीं है, तो उनको जेल जाने से के लिए उनके कर्म दोषी हैं, दिल्ली की जनता दोषी नहीं है। दिल्ली की जनता ने तो उन्होंने बहुत बड़ा उनको सम्मान दिया था, लेकिन अपने कर्मों से उन्होंने इस सम्मान को खोया और आज वो जेल में है। दिल्ली की जनता इस बात को समझती थी, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर जिताया। इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है, दोनों तरफ से ही सरकार बनाने के दावे पेश किए जा रहे हैं। राहुल जी ने कल प्रेस वार्ता में कहा कि हम सोचेंगे, बैठेंगे तब बातचीत होगी, तो कोई अब इस बार जो चुनाव हुए हैं किसी को दुख नहीं हुआ है, विपक्ष वाले भी खुश है, भाजपा भी खुश है, दोनों ओर से जश्न मन रही है, सरकार किसकी बनेगी? आपको जो मैंडेट बना है उसमें एनडीए का मैंडेट क्लियर है, बहुमत बिल्कुल साफ है। और तीसरी बात भी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए के दलों के साथ बने। अच्छा, पश्चिम दिल्ली की जनता का आखिर में सवाल कि प्राथमिकता किन चीजों को लेकर है? सबसे पहला काम क्या है? पश्चिमी दिल्ली लोकसभा ज्योग्राफिकली डेमोग्राफिकली बड़ी भी है, डिफरेंट भी है, तो अनुथराइज कॉलोनी और गांव में सबसे पहले कोशिश रहेगी कि ग्राम सभा और डीडीए की जमीन को आइडेंटिफाई करके वहां पर पार्क बना पाएं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कम्युनिटी हॉल दे पाएं, मेट्रो की एक्सटेंशन होनी चाहिए, नजफगढ़ से नांगली, नजफगढ़ से ढांसा बॉर्डर तक जानी चाहिए, कुछ नए रोड द्वारका एक्सप्रेस वे की तरह बनने हैं, वो कोशिश रहेगी। और प्रधानमंत्री जी के जो योजनाएँ गरीबों को मदद करने के लिए है, चाहे वो लोन की है, काम शुरू करने की है, उनका लाभ जनता को मिले, इसके लिए हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। बिल्कुल, तो हमारे साथ पश्चिम दिल्ली से नवनियुक्त सांसद कमलजीत सहरावत जी बनी हुई थी और उन्होंने अपने चुनाव में जीत का श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया, साथ ही कहा कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है, इसलिए सरकार बनना तय है और पुनः मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरा कार्यकाल होगा उसमें देश की तरक्की होगी।